What's up guys, कैसे आप सभी लोग भाई? आज मैं दोबारा खेलने जा रहा हूँ पोकेमोन येलो। और भाई सीन कुछ ऐसा है कि इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने खूब सारे ट्रेनर को हराया था। फिर उसके बाद मैं गया था एक लग्जूरियस क्रूज शिप में, वहाँ पे भी मैंने खूब सारे ट्रेनर को हराया था। फिर उसके बाद मैंने अपने राइवल से बैठ लगे तो उसको भी पटक के मारा था मैंने, समझ रहे हो, पटक के मारा था। फिर उसके बाद शिप के कैप्टन से मैंने कट ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ वल्मीरिया जिम में जिम बैठक करने के लिए एलटी सर्ज से। तो भाई देखते आगे क्या होता है, मैं उसको हरा पाऊंगा नहीं हरा पाऊंगा तो पता चलेगा वीडियो में। तो गाइस यहाँ से मैं कट मूव सीख के आ चुका हूँ और मैं सोच रहा हूँ जो कट मूव है वो मैं सिखाता हूँ स्प्रिंग को, क्योंकि भाई वो ग्रास टाइप है। नहीं ये कहाँ सिखा रहा हूँ भाई, इसको तो सेल करना है मेरे को, इसको तो सेल करना है, इसको मेरे को सिखाना है स्ट्रिंग को, क्योंकि भाई स्ट्रिंग के पास कोई मूव भी नहीं और कट मूव सीख जाएगा तो भाई सुपर औसम रहेगा। ठीक है स्ट्रिंग को मैंने कट मूव सिखा दिया, पहले मैं जाता हूँ अपने आप को हील करके आता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा जिम में बैटल करने, दिखाता हूँ आपको पैसा कितना भी। मार्ट के अंदर पहुंचने तो मेरे को ये रहा मार्ट, और देखो 12 हो भाई 12,000। तो अभी मैं एक दो आइटम भी सेल करूंगा ना तो और भी बढ़ जाएगा। जैसे मेरे पास अभी आया है यहाँ पे सोडा पॉप, तो मैं नहीं सेल करूंगा, इसको सेल कर दूंगा क्योंकि थंडर वेव टीएम है, तो थंडर वेव मेरे को सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही है, तो थंडर वेव सेल कर देता हूँ। फिर उसके बाद ठीक है आइटम तो मैंने सेल कर दिया, जो सेल हो सकता है मैं यहाँ से पोशन खरीद लेता हूँ, और पोकीबॉल तो है मेरे पास जितना मेरे को ध्यान है। यहाँ से मैं सोचो 15 पोशन खरीद लेता हूँ भाई, 15 पोशन से काम बन जाएगा। और यहाँ पे थोड़े बहुत पोकीबॉल और ले लेता हूँ मैं, मेरे हिसाब से 10 पोकीबॉल काफी होंगे। ठीक है यहाँ से 10 पोकीबॉल खरीद लिए मैंने, और तो कुछ खरीदना नहीं है मेरे पास, एंटीडोट है ये, रिपेल थोड़े बहुत रिपेल खरीद लेता हूँ, क्या पता बाद में केव में कहीं पे काम आ जाए, तो 10 रिपेल ले लेता हूँ मैं ना। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ जिम में बैटल करने, और यहाँ पे पहले यूज करता हूँ मैं अपने पोकेमॉन से कट ये रहा स्ट्रिंग, कट मार भाई मार दे, काट दे इसको भाई, पेड़ को काट दिया है। अब मैं जा रहा हूँ जिम के अंदर एंटर करने, और यहाँ पे मेरे को एक पजल सॉल्व करना है क्योंकि मेरे को ये दो दरवाजे खोलने हैं, और वहाँ पे है ट्रेनर जो जिम लीडर है वहाँ पे, और मेरे को इन सबसे भी बैटल करनी है। पहले मैं इन सबको हरा देता हूँ, फिर जितने भी डिब्बे हैं सबको खोलने पड़ेंगे मेरे को, तब जाके मेरी बैटल होगी जिम लीडर से। ठीक है यहाँ पे आ चुका है पहला, इसके पास है पॉलीबॉल, और मेरे को जाना चाहिए था पिकाचू से लेकिन मैं गलती से आ चुका हूँ लिजर्ड से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे स्विच ट्रेन कर लूंगा मैं। और यहाँ पे पीका आ चुका है, पीका को वाटर गन पड़ा लेकिन पीका को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीका है इलेक्ट्रिक टाइप और पॉलीबॉल है वाटर टाइप, और इलेक्ट्रिक टाइप स्ट्रांग होता है वाटर टाइप के। यहाँ से तो पॉलीबॉल को हरा दिया मैंने, और यहाँ से 31 का हो चुका पिकाचू भाई, पिकाचू तो सुपर डुपर लेवल गेन कर रहा है। यहाँ पे पिजोटो आ रहा है भाई, पिजोटो को भी पिकाचू से हरा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत स्पीड ट्रेन भी करता रहूँ भाई दूसरे पोकेमोन को, वरना पिकाचू ही सारी एक्सपी कमाएगा और कोई नहीं कमा पाएगा। तो यहाँ से मैं 4 आर्म को लेके आ चुका हूँ स्विच चेंज करने, पिकाचू से पिकाचू को क्विक अटैक मार दिया पिजियाटो ने, और पिजियाटो को मैं मारूंगा थंडर बोर्ड यहाँ पे, और पिजियाटो डेड हो जाएगा एक ही बार में। देखो भाई पिजियाटो गया भाई, सुपर भाई सुपर पिकाचू सुपर डुपर हो चुका है, यहाँ पे फेंट हो चुका है, और भाई उसको बहुत अच्छा मिला है भाई, गोलम है इसके पास, गोलम है गोलम मेरे को। लेकिन 4 आर्म को थोड़ा एक्सपी गेन कराना है, और यहाँ पे मैंने 4 आर्म को बुला लिया है, और यहाँ से बुलाता हूँ ईशान को, यहाँ पे ईशान आ चुका है, ईशान से मैं दूंगा वाटर गन और ये हो जाएगा डेड। देखो वाटर गन ईशान वाटर गन, और ये गया भाई, देखो डेड हो गया इजी भाई, अब तो सुपर डुपर इजी हो रहा है अब। ओ भाई 4 आर्म लेवल 19 का हो चुका है फाइनली, जो 4 आर्म है और स्ट्रिंग है वो ज्यादा लो लेवल के हैं, वो 20 के पास ही नहीं है अभी, तो 20-20 लेवल का तो कर ही देता हूँ भाई उनको मैं। ठीक है इसके पास एक ही पोकेमोन है फारफेच, और 24 लेवल का भाई वो, भाई फारफेच 24 से मिलता है यार फारफेच, तो लिजर्ड हरा देगा भाई ये, क्योंकि फ्लाइंग और ग्रास टाइप है जितना मेरे को ध्यान है भाई, फारफेच फ्लाइंग और ग्रास टाइप ही होता है ना जितना मेरे को ध्यान है। और यहाँ पे फारफेच ने फ्यूरी अटैक मारा है, फ्यूरी अटैक भाई कितनी बार फ्यूरी अटैक मारेगा भाई, बस कर भाई 4 हिट मारे यहाँ पे, कॉमेट पंच ले तो मेरा भाई मिस कर गया कॉमेट पंच, एम्बर तो पड़ेगा ना, हाँ भाई एम्बर तो पड़ेगा। अबे फ्लेम थोवर कब सीखेगा भाई लिजर्ड, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है फ्लेम थोवर कब सीखेगा भाई। ठीक है 2 कॉमेट पंच पड़े, तीसरा कॉमेट पंच और 3 हिट कॉम्बो पड़ा भाई, 3 हिट कॉम्बो, यहाँ से एम्बर से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे कॉमेट पंच ही मारता हूँ। ठीक है एक बार और नहीं बस 2 बार में निपट गया भाई, 2 बार में निपट गया, और यहाँ पे 4 आर्म लेवल 20 का हो चुका है फाइनली, और इसने लो किक सीख लिया भाई। ठीक है 4 आर्म ने लो किक भी सीख लिया, ठीक है मैंने इसको भी हरा दिया, और यहाँ पे कोई और भी एक और ट्रेनर है ना, 3 ट्रेनर है, हाँ भाई ये रहा एक और ट्रेनर बस। ठीक है इसके पास है गोल्डीन,
गोल्डिंग को तो मेरा फोर आर्म शायद इजीली हरा दे, क्योंकि मैं ये है लेवल 22 का, मैं लेवल 20 का हूँ। लो किक मार के देखता हूँ। सुपर सोनिक मिस कर दिया इसने और मेरी लो किक पड़ गई इसको। भाई लो किक ने ज्यादा नहीं मारा है। कराटे चॉप, टेल व्हिप, इसने मेरा डिफेंस घटाया। डिफेंस घटा रहा है भाई ये मेरा। ए डिफेंस डिफेंस ना घटाओ मेरा, कराटे चॉप मारूंगा तुमको मैं। ए भाई पैक 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 भाई, नहीं 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 नहीं, ओ भाई भैंस की मर गया था भाई अभी मैं, मर गया था भाई अभी मैं भाई बड़े। ए कहां जा रहा है, कहां लड़ने जा रहा है? मैं समझ रहा हूं तेरी लड़ने की अर्ज को, लेकिन तो भाई मर जाएगा यहाँ पे, इससे जाऊंगा नहीं। नहीं भाई पैक मार रहा है और ग्रास टाइप पे पैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो यहाँ जाता हूँ मैं फ्लाइंग टाइप पे, मतलब से फ्लाई पे। फ्लाई पे टेल भी यूज किया है इसने और इसने डिफेंस का भी घटा दिया। यहाँ पे गस्त मारता हूँ मैं, एक क्विक अटैक मारता हूँ, क्विक अटैक से जल्दी मर जाएगा मेरे को लग रहा है। और ये गया, ओ भाई बच गया। सुपर सोनिक मरना नहीं भाई, मरना नहीं, क्योंकि क्या कन्फ्यूज हुआ है मेरा पिजियोटो, लेकिन पिजियोटो को भाई कन्फ्यूजन से स्नैप करने की आदत है मेरे को लग रहा है। मारना नहीं, अबे हट, मैं कह रहा था स्नैप करने की आदत और ये अपने आप को मार रहा है, मेरी बेइज्जती करा रहा है। भाई मार दे भाई, फिर से मार खा रहा है अपने आप से, पैक मार दिया इसने। क्विक अटैक पड़ गया भाई, पड़ गया फाइनली, क्विक अटैक पड़ चुका है यहाँ पे और फ्लाई को उड़ा दिया भाई। फ्लाई ने उड़ा दिया दूसरे टीम मेंबर को और यहाँ पे एक और टीम, यहाँ पे एक और पोकेमोन आ चुका जिसका नाम है टेंटाक्रूल। टेंटाक्रूल है वाटर टाइप, वाटर टाइप को हराने के लिए चाहिए हमें पिकाचू। पिकाचू आ चुका है, पिकाचू इसको हरा देगा एक ही थंडर बोल्ट में। ये देखिए देखिए अभी देखिए गया भाई पिकाचू, भाई ओपी हो चुका है भाई। अगर आपको पिकाचू पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ओपी ओपी ओपी। अगर आपको किसी पोकेमोन को अपना नाम देना है तो भाई अपना नाम लिखो और पोकेमोन का नाम लिखो, या फिर नॉर्मल कमेंट भी कर दो ओपी ओपी ओपी, तो मैं आपका भी नाम लिख दूंगा उसमें। ठीक है मैं वापस आ गया हूँ जिम में अपना कट यूज करके, और मेरे को यहाँ पे जितने भी ट्रैश है वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कहीं पे स्विच होता है इसमें, तब जाके यहाँ पे एक ट्रैश में स्विच है। ठीक है यहाँ पे मैंने टर्न ऑन किया, एक तो टर्न ऑन हो चुका है, यहाँ पे दूसरा वाला होगा। ठीक है भाई दोनों स्विच टर्न ऑन कर लिए, एक ही बार मिल गया भाई, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। ठीक है इन सब ट्रैश में चेक करता हूँ कोई आइटम तो नहीं है। ओके गाइस मैं जिम लीडर के डोम का दरवाजा खोल लिया, मैं जा रहा हूँ जिम लीडर से बैटल करने। टेन हर्ट वेलकम टू द पैलेडियम जिम, विल यू लुक एट दैट आप इंट साइज चैलेंजर। भाई मेरे को छोटा बोल रहा है, तेरे को बता रहा हूँ मैं, रुक जा भाई, अभी तेरे को बता रहा हूँ भाई, अभी तेरे को हरा रहा हूँ मैं, रुक जा अभी हरा रहा हूँ बे, जो तो मेरे को प्यूनी साइज बोल रहा है, रुक जा बता रहा हूँ। ओ भाई इसका भाई लुक तो बड़ा औसम लग रहा था। स्लो ब्रो, पिकाचू पटक के मारेगा भाई से, देखो अभी पिकाचू भी पटक के मारेगा भाई, लेकिन लेवल 28 का है भाई। स्लो ब्रो इसका भी भाई एक्स स्पीड यूज कर रहा है भाई, ये थंडर बोल्ट है भाई, और थंडर बोल्ट से भाई मर जाना चाहिए एक ही बार में। तो भाई बच गया ये तो, सुपर इफेक्टिव पड़ा और यहाँ पे हेडबट मारा इसने भाई। ये बैटल तो हार्ड होने वाली, क्योंकि 28 लेवल के पोकेमोन है इसके। और क्विक अटैक मारूंगा भाई, क्विक अटैक मारूंगा, एक ही बार में मार दूंगा भाई। हेडबट तो भाई बहुत खतरनाक मार रहा है भाई ये। ठीक है क्विक अटैक से तो मैंने इसको हरा दिया, मेरे को अपने पिकाचू को हील करना पड़ेगा। और यहाँ पे पिकाचू फोर आर्म 21 एम का हो चुका है और इसके पास एक ही पोकेमोन था, तो मैं डर रहा था भाई इससे और ये मेरे को प्यूनी बोल रहा था, एक ही पोकेमोन लेके घूम रहा है और हरा दिया मैंने इसको। यू आर द रियल डील किड, आई नो दैट, यू नो दैट, आई नो दैट, यू नो दैट। ओके ठीक है फाइन, देन टेक द बैट थंडर बैट। ठीक है मैंने इसे थंडर बैट ले लिया और भाई इसने मेरे को दिया 2700 रुपए। यू आर ए स्पेशल किड, टेक दिस। ठीक है इसने हमको टीएम दिया, TM24, ये है थंडर वेव जितना मेरे को ध्यान है, या फिर रेजल रीफ है, क्या है एक मिनट रुको देखता हूँ क्या है भाई, रुक जा भाई देखता हूँ क्या है, ये रेजल लीफ है भाई। अगर मेरे पास कोई अच्छा पोकेमोन होगा तब मैं दूंगा, वरना स्क्रीन को ही देना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। अब भाई मैं जा रहा हूँ ऑफिसर जैनी के पास स्पॉटल को लेने, जिससे कि मेरे को कोई एक नया पोकेमोन मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो इससे भी बात करता हूँ मैं। यू हैव अ थंडर बैच, यस यू मस्ट बी आर गुड ट्रेनर, आई जस्ट गॉट अ स्पॉटल दैट वॉज ऑलवेज गेटिंग इन टू मिस्चिफ, गेटिंग इन टू मिस्चिफ। ठीक है वुड यू लाइक टू टेक, ठीक है मैं टेक केयर करूंगा। और बोला मैं इसके पास गोलम है भाई, इसके पास इसको गोल रख देता हूँ भाई, इसको गोल रख देता हूँ भाई, क्योंकि ये गोल है भाई, क्योंकि ये गोल है, इसका नाम गोल। ठीक है भाई ये गोल है, इसको यूज भी करने वाला नहीं हूँ मैं गोल को। ठीक है गोल को मैंने PC1 में डाल दिया, यहाँ पे पहले हील करके आता हूँ। ठीक है मैं डिग्लिट केव से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से फ्लैश लेने, क्योंकि भाई उस बार मैं यहाँ पे आ नहीं पा रहा था।
यहाँ से पहले मैं कट मारता हूँ इधर, ठीक है ये कट पड़ा। अब मैं इधर से जा सकता हूँ इधर साइड, और यहाँ पे शायद कोई एक प्रोफेसर होता है जो मेरे को फ्लैश का टीएम देता है। ओके यही है शायद प्रोफेसर, हाँ मेरे को इसने दिया भाई फ्लैश दिया है। ठीक है 15 टाइप के पोकेमोन तो मैंने पकड़े होंगे ना। ओ भाई फाइनली मेरे को मिल चुका है HM फ्लैश। दिखाता हूँ मैं इसको अपने पोकेमोन में से किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि भाई ये कोई अटैक मूव नहीं, बस बेकार सा फ्लैश मूव है। अगर जरूरत पड़ी तभी मैं यूज करूंगा इसको, किसी डेड मॉन पे यूज करूंगा। देख रहे हो फ्लैश टी है, ये मेरे को फ्लैश है भाई। अगर मैंने इसको किसी पोकेमोन को दिया फिर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा दूसरा मूव, और उसको हटा भी नहीं पाऊंगा, तो मैं इसलिए मैं चाहता हूँ इसको ना ही दूं फ्लैश किसी को अभी। ओके गाइस मैंने आइटम जितने भी थे सब रख के आ चुका, और यहाँ पे एक ट्रेनर, मेरे को याद आया कि यहाँ पे एक ट्रेनर था जो मेरे को शायद कोई अच्छा सा मूव सिखाता है, तो मैं इसके पास जाके वो मूव सीख के आता हूँ। यॉन आई मस्ट हैव ड्राउज्ड ऑफ इन द सन, भाई ये सो गया था यहीं पे। ठीक है मेरे को ये शायद यॉन मूव सिखाएगा मेरे को लग रहा है। देखिए TM42 मिला है मेरे को, ये क्या है TM42 मेरे को देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको आइटम में जाता हूँ, TM42 क्या करता क्या है देखता हूँ मैं। ये रहा TM42 और ये है पैटल डांस। ओ भाई पैटल डांस है भाई। अगर मेरे पास कोई अच्छा ग्रास टाइप पोकेमॉन होता मैं जरूर सिखाता, क्योंकि जो मेरा ग्रास टाइप पोकेमॉन है उतना ज्यादा खास नहीं है। ओपे भाई मैं यहाँ से रन करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे भाई फोर आर्म को मेरे मार दिया है भाई इसने अलग अजैम ने। भाई मूड खराब हो रहा है यार, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था इस केव से, और मेरे अलग अजैम ने भाई इसके पास क्या रखा है जो मैं भाग नहीं सकता। अबे यार अलग अजैम ने मेरे भाई फोर आर्म को मार दिया। दुख कहीं नहीं खत्म होता है पे, इतना दुख क्यों है भाई। देखो तो बता रहा हूँ मैं अलग अजैम, ये ले वाटर गन ले भाई, ये तो मर ही नहीं रहा है भाई। एक मिनट रुको भाई, ये अलग अजैम कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है भाई, इसने मेरे फोर आर्म को मार दिया, मेरा एक और पोकेमॉन डेड हो चुका। कंफ्यूजन मरना नहीं पिकाचू प्लीज। ओके भाई ब्रो तू ही मेरा ब्रो है। साला टेलीपोर्ट हो गया मेरे को मारने के बाद, भाई टेलीपोर्ट हो गया मेरे को, पहले यहाँ पे आइटम यूज करना पड़ेगा रिपेल, वरना मेरे भाई आधे आधे पोकेमॉन ऐसे ही मर जा रहे हैं यार भागने के चक्कर में। यहाँ पे रिपेल यूज करता हूँ मैं, पता नहीं भाई यहाँ से पहले मैं अपने पोकेमॉन को जो मरा है फोर आर्म भाई उसको डेड पीसी में डालता हूँ भाई। भाई पोकेमॉन तो मेरे हवा हवा में मर जा रहे हैं यार। डिपॉजिट हो जा भाई फोर आर्म, तो अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। ए गलत जगह डिपॉजिट कर दिया मैंने भाई। अभी मैं अपने साथ गोलम रख ले रहा हूँ जो है गोल, और उसके साथ ही मैं थोड़ा खेलूंगा, उसको मैं अपग्रेड नहीं करूंगा, ये डेड मॉन की तरफ काम करेगा मेरा भाई। यहाँ पे ग्रास है ना, हाँ यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे कट यूज होता है मेरे को जितना ध्यान है। ठीक है भाई मेरे को यहाँ पे कट यूज करना है फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है भाई अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करने के लिए, और यहाँ पे एक बंदी ने मेरे को रोक लिया भाई। आते ही रोक लेते हैं भाई ये लोग, कोई काम धंधा नहीं है इनके पास भी। ये जूनियर ट्रेनर आ चुकी है फाइट करने के लिए मेरे से। अब इसके पास 6 पोकेमॉन है, नहीं 4 पोकेमॉन है, अब मेरे को इनको हराना पड़ेगा भाई चारों को। ठीक है भाई ये ग्रास टाइप और बग टाइप है, तो मेरे को जाना चाहिए डॉक्टर लिजर्ड में, या नहीं फ्लाई पे जाता हूँ, फ्लाई भी तो उसको हरा सकता है। अबे भाई इसने मेरे फ्लाई को पैरालाइज कर दिया भाई, क्या आदमी है, नहीं क्या पेरिस है भाई, क्या पेरिस है भाई, इसका नाम पेरिस से पड़ गया भाई क्या इसका नाम, लेकिन ये पेरिस जैसा तो दिखता नहीं है। पता नहीं भाई क्या सोच के नाम देते हैं भाई ये लोग पोकेमॉन को, कभी कभार बहुत अजीब नाम देते हैं भाई ये पोकेमॉन को, जैसे भी इसका नाम पेरिस तो जगह है पता नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे मैंने पेरिस करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे पेरिस से पेरिस ने बचा लिया। वाह यहाँ पे क्विक अटैक मार दिया मैंने और यहाँ पे हरा दिया। यहाँ पे इसका दूसरा पोकेमॉन है क्लिफेरी है, तो क्लिफेरी भाई ये मिनिमाइज ज्यादा यूज करती है। और यहाँ से मैं पिकाचू पे जा चुका हूँ, पिकाचू डबल स्लैम मार रहा है भाई, पिकाचू को थप्पड़ मारती है भाई ये। और यहाँ पे जूनियर ट्रेनर अलकाज़ाम निकाल रहा है भाई, अलकाज़ाम को तो भाई देखो पहले कौन से लेवल का, मेरे को देखना पड़ेगा कौन से लेवल का अलकाज़ाम। 18 लेवल का है, स्ट्रिंग से वैसे मैं मार नहीं सकता हूँ इसे, ट्राई करूँ क्या, चलो भाई एक बार ट्राई करते हैं, कट मार के देखते हैं। कट से मेरे हिसाब से लाइफ डिसेंट की जानी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं, मरना नहीं भाई बच गया। यहाँ पे कराटे चॉप पड़ेगा इसको, नहीं पड़ेगा, अबे कंफ्यूजन है भाई मेरे को, कंफ्यूजन से मैं मरना चाहूँ लेकिन कराटे चॉप क्रिट मार रहा है, कंफ्यूजन से ज्यादा लाइफ जा नहीं रही है इसकी, लेकिन अब जा रही है, अगर क्रिट पड़ गया तो भाई गया मैं, कंफ्यूजन से बाहर निकल। अबे हट नहीं मरना नहीं अपने, भाई कंफ्यूजन से मर सकता हूँ मैं अभी भी। कीन आई यूज किया, ठीक है भाई कीन आई यूज किया इसने,
मैं कंफ्यूजन से स्नैप कर जाऊं तो भाई इसको हरा सकता हूं भाई। स्ट्रिंग हरा सकता है इसे, स्ट्रिंग ये टेलीपोर्ट कर रहा है भाई, बैटल के बीच में टेलीपोर्ट कहां कर रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हट चुका है मेरे से, और ये मैंने कराटे चॉप मार के क्रिट मारा है और वापस इसने मेरे को कंफ्यूजन दे दिया भाई। मरना नहीं भाई, क्यों कर ले, यहाँ पे कट मारता हूँ, ये ले भाई, कट से कट कर दिया मैंने, 20 से हाफ कर दिया इसे। ठीक है भाई, इसने यहाँ से ओमनाय को बुलाया है, तो मैं यहाँ पे पहले स्ट्रिंग से रहता हूँ। अब मैं जाता हूँ भाई पीकाचू को ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये वाटर टाइप है और मेरा पीकाचू वाटर टाइप को तो इजिली छेल देता है और उनका काम तमाम कर देता है भाई। देखो वाटर गन मारा, पीकाचू की 4 लाइफ गई, सिर्फ 4 बच्चे, और यहाँ पे मैं ठंडा बोल्ट मारा और उसकी पूरी लाइफ चली जाएगी। देखो देखना भैया, ये गई भाई, खल्लास हो गया भाई, खल्लास खेल खल्लास हो गया इसका। ठीक है, मैंने एक ट्रेनर को थोड़ा हरा दिया भाई, मैंने एक जूनियर ट्रेनर को हरा दिया, उसने मेरे को पता नहीं कितना पॉइंट दिया है, मेरे को भी नहीं पता। और यहाँ पे भाई एक और ट्रेनर है सामने, उसको भी हराना है मेरे को। TM25 मिला है, बराज करता क्या है, और यहाँ पे स्ट्रिंग लर्न कर सकता है, और स्ट्रिंग को देता हूँ। स्ट्रिंग के पास वैसे भी मूव सेट है नहीं, अगर अच्छा भी नहीं हुआ तब भी हटा सकता हूँ मैं इसको। और ये कौन सा है, अबे कॉमेट पंच है मेरे पास, मेरे को पता ही नहीं है भाई, कॉमेट पंच है मेरे पास। और ये ईशान सीख सकता है, पीकाचू भी सीख सकता है। ओके, मैं सोच रहा हूँ पीकाचू को सिखा दूं भाई कॉमेट पंच। पीकाचू को कौन सा मूव हटाऊं मैं, स्लैम, थंडर वेव भाई, लेकिन थंडर वेव पोकेमोन को पकड़ने के बहुत काम आता है। क्या फिर ईशान को दे दे भाई, ईशान के पास भी मूव नहीं है उससे ज्यादा अच्छे, मेरे को लग रहा है कि ईशान के पास है। हाँ भाई, ईशान के पास मूव अच्छे नहीं है भाई, टैकल है, हार्डन है, और टैकल को हार्डन को हटा के ही देते हैं भाई, कॉमेट पंच दे देते हैं भाई। ईशान ने कॉमेट पंच सीख लिया, और कौन सा टीम है मेरे पास। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, यहाँ पे आगे एक और ट्रेनर है, इससे भी बैटल करता हूँ। फिर ऊपर एक राउट है जहाँ पे मैं पोकेमोन पकड़ सकता हूँ, वहां से भी मैं पोकेमोन पकड़ूंगा अभी। और यहाँ पे यंगस्टर आ चुका है वापस, यंगस्टर, इसके पास एक ही पोकेमोन है, वो भी गोल बैट है। कराटे चॉप मार के देखता हूँ भाई, कंफ्यूज रे भाई, कंफ्यूज कर दिया, ते ही कंफ्यूज कर दिया भाई। मारना नहीं, बस तू अपने आप को, और जो कर ले भाई, तू मार दिया भाई, मैं कह रहा था अपने आप को मारना नहीं, और अपने आप को मान रहा है ये। कट मार, स्क्रीच यूज कर रहा है, मेरा डिफेंस घटा रहा है, कंफ्यूज से स्नैप हो। हाँ भाई सही है, कट मारा, कितनी लाइफ गई, कुछ नहीं गया भाई। बराज मार, बराज देखता हूँ क्या होता है, बाइट मार दी भाई इसने, मेरे को लगा लाइफ गई। कंफ्यूजन स्नैप आउट ऑफ हार्ट कर दिया भाई, मेरे को चेंज करना पड़ेगा, पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ पिकाचू पे, नहीं जाऊँगा भाई, पिकाचू को ही यूज़ कर रहा हूँ, वरना फिर भाई कुछ ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पिकाचू को यूज़ करता रहा, ये पहले राइज है, मेरे को पता ही नहीं था भाई ये पहले राइज है भाई, इस पर जाता ही ना मैं, पहले राइज है ये तो। ठीक है, यहाँ से मैं गस्त मार दिया, और गस्त से इसकी आधी लाइफ तो चली गई है, फिर दोबारा से गस्त मारूंगा, ये वापस से मेरा डिफेंस क्यों घटा रहा है भाई इतना। ओके, यहाँ पे बाइट मार दिया भाई इसने मेरे को। ठीक है, गस्त पड़ा पड़ा, अब तो गया भाई ये, उस बार मिस कर गया था शायद। यहाँ पे क्विक अटैक मारता हूँ मैं, और ये गया भाई। ठीक है, इसके एक पोकेमोन को मैंने हरा दिया, क्योंकि इसके पास एक ही पोकेमोन था। यंगस्टर डिफीटेड, ओके ब्रो यू आर डेड। ठीक है, यहाँ पे अब एक लास्ट ट्रेनर है, उसके बाद मैं अपना एक एनकाउंटर ले सकता हूँ। यहाँ से पहले मैं अपने स्ट्रिंग को हील करता हूँ। यहाँ पे पैरालिसिस का कोई मेरे पास रखा नहीं, रखा है एंटीडोट ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक और पोकेमोन ने, एक और ट्रेनर ने रोक दिया, पोकेमोन ने रोक दिया बोल लो। ठीक है भाई, इसको भी रोकता हूँ, पहले ये है कौन देखना पड़ेगा मेरे को। ये लड़की लग रही है मेरे साथ, नहीं ये बग कैचर है, ये बग कैचर है, उसकी जबान देख रहे हो कैसे निकल रही ऊपर की तरफ। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं दिखाता, अगर वो हटा ना होता तो। यहाँ पे जाता हूँ भाई डॉक्टर लिजर्ड में, क्योंकि डॉक्टर लिजर्ड है मेरा फायर टाइप, और ये है ग्रास टाइप, ये तो ग्रास टाइप ही है भाई। स्टन स्पोर्ट दे रहा था भाई अभी मैं गया था, यहाँ पे फ्लेम थ्रोवर मारा, फ्लेम थ्रोवर बोल रहा, एम्बर मारा है, और एम्बर से क्रिट पड़ा है इसे, पॉइजन पाउडर भाई, पॉइजन क्या क्या रखा है भाई इसने बेल स्प्राउट के पास। एम्बर एक बार और, एम्बर पड़ गया, गया ये बस भाई, डेड हो गया ये। अब इसके पास एक और पोकेमोन है मेरे हिसाब से ना, एक और पोकेमोन है इसके पास, हाँ इसके पास पॉलीगोन है, तो पॉलीगोन को मैं हराता हूँ। और ईशान से कब से बैटल नहीं किया ना, ओ भाई पॉलीगोन है भाई, पॉलीगोन देख रहे कितना औसम लग रहा है भाई, पॉलीगोन भी बहुत औसम पोकेमोन है। यहाँ पे कॉमेट पंच, मैंने जो नया सीखा था वो मारता हूँ मैं। ओ भाई इसने अपना टाइप कन्वर्जन कर दिया, और ये भाई बन गया है वाटर टाइप। मेगा किक मार इसको, मेगा किक मार, मेरा टाइप कन्वर्जन लेता है भाई, मेरा टाइप का हो गया था भाई ये, और इसको एक ही बार में मार दिया, और ईशान हो गया लेवल 24 का। सही है भाई, सही है भाई, उसने टाइप कन्वर्जन कर लिया था। ठीक है अभी मेरा कोई पोकेमोन इवॉल्व नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
यहाँ पे कोई आइटम है? ओ भाई पीपी अब मिल चुका है मेरे को। भाई मैं थंडर बोल्ट तो और लेवल अच्छे का कर दूंगा, क्योंकि पीपी थंडर बोल्ट की बहुत ज्यादा कम है। ठीक है यहाँ पे कोई पोकेमॉन मिल जा, पोकेमॉन मिल जा। ठीक है यहाँ पे पोकेमॉन मेरे को मिल चुका है और ये है नीडोरन, नीडोरन। ठीक है इसको तो पकड़ लूंगा भाई, इजिली पकड़ लूंगा मैं इसको, मेरे को मारना नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत कट मारता हूँ, शायद कट से नहीं क्या बताऊँ मर जाए तो। हाँ भाई कंस्ट्रक्ट करके थोड़े इसकी मतलब एचपी चिप करते हैं, फिर उसके बाद ठंडा वेव देके इसको पकड़ लेंगे हॉर्न रेव। ठीक है येल्लो पे और रेड पे चला गया भाई, अब रेड पे चला गया और यहाँ पे मेरे इसको भी येल्लो पे ले आया है भाई। पिकाचू पे जाता हूँ वापस, स्विच करता हूँ पिकाचू पे और हॉर्न रेव मारा है मेरे पिकाचू को इसने। ठीक है इसको ठंडा वेव देता हूँ मैं, ठंडा वेव दिया और यहाँ से भाई इसको पकड़ लेता हूँ मैं। ओ भाई डबल क्लिक, डबल क्लिक मारा, डबल क्लिक। ठीक है मैं आइटम में जाता हूँ, इस पर पोकेबॉल फेंकता हूँ तो हाथ में आ ही जाएगा भाई ये। 3 2 1 देखो भाई पकड़ लिया मैंने नीडोरन। इसका नाम क्या रखूँ भाई नीडोरन का? नीडोरन हॉर्न रख दूँ क्या? इसके पास हॉर्न है, इसका नाम मैंने यहाँ से हॉर्न रख दिया क्योंकि इसके हॉर्न है कि नहीं। ठीक है ये पीसी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पीसी में जा चुका है, तो भाई मैं पहले चलता हूँ अपने पोकेमॉन को हील करके भी आ जाता हूँ यहाँ से। भाई ये टॉकिंग रॉक है जो मेरे से बात कर रहा है, इसने यही बोला है भाई मेरे से, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है यहाँ पे ये जूनियर ट्रेनर है भाई, जे आर ट्रेनर। इसके पास हिप्नो है, इनके पास पोकेमॉन बड़े सही सही है, कभी किसी के पास हिप्नो है किसी के पास कुछ है। यहाँ पे कराटे चॉप से इसकी लाइफ जाएगी क्या? ले सुला दिया भाई, सुला दिया भाई इसने मेरे को। ओ भाई वो कब हो गया भाई? शाबाश मेरे, कंफ्यूजन दे दिया भाई स्ट्रिंग को इसने, और कराटे चॉप मारा है भाई इसने और इसकी आधी से ज्यादा लाइफ ले गया। यहाँ पे कट से कितना जाएगा? और इसने डिसेबल यूज करने की कोशिश की और मैंने डिसेबल को फ्री कर दिया, मतलब डॉच कर लिया भाई। इस बार डिसेबल कर दिया इसने, और इसने डिसेबल किया कंस्ट्रक्ट को, कराटे चॉप को, नहीं नहीं कंस्ट्रक्ट को किया भाई। यहाँ पे कराटे चॉप मार इसने, वापस स्लिप दे रहा था भाई मेरे को ये। ठीक है मैंने यहाँ पे कराटे चॉप मार के इसका प्लान तो फेल कर दिया, वापस हिप्नोसिस दे रहा है भाई मेरे को ये। ठीक है यहाँ पे कट मार के मैंने इसका प्लान फ्लॉप कर दिया भाई, सुलाने नहीं दिया मैंने इसको। ठीक है स्ट्रिंग 23 का हो चुका है अब, और यहाँ पे इसके पास अभी भी और पोकेमॉन है भाई। कितने पोकेमॉन है यार? 4 पोकेमॉन अभी और बचे हैं। ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ ईशान पे, क्योंकि ये शायद ग्राउंड टाइप है जितना मेरे को ध्यान है, जितना मेरे को ध्यान है भाई ये ग्राउंड टाइप है। पॉइजन स्टिक मारा है भाई, पॉइजन ना हो बस और सब चल जाएगा। यहाँ पे वाटर गन मारता हूँ मैं और ये आधी लाइफ गई भाई इसकी, पॉइजन हो गया भाई, पॉइजन हो गया। मैं कह रहा था पॉइजन ना, पॉइजन हो गया। यहाँ पे कॉमेट पंच देखते हैं कितना मारता है, कितने मतलब वो जाती है लाइफ जाती है इसकी। ओ भाई क्रिट पड़ा है, ओ भाई 2 बार में गया भाई, 2 बार में गया सुपर भाई। यार यहाँ पे ये यूज करने वाला है एग्जीक्यूटर भाई, एग्जीक्यूटर को तो मेरा हरा सकता है लिजर्ड, डॉक्टर लिजर्ड एग्जीक्यूटर भाई। अब यहाँ पे डॉक्टर लिजर्ड आ चुका है, इस पे एम्बर मारता हूँ पहले मैं। ओ भाई एम्बर, मेरे को लगा एम्बर यूज नहीं हो रहा है क्या। ठीक है यहाँ पे एक बार और एम्बर मारता हूँ, हिप्नोसिस दे दिया भाई, सुला दिया मेरे डॉक्टर लिजर्ड को यार इसने। ठीक है यहाँ पे डॉक्टर लिजर्ड सो चुका है, ओ भाई बैरी मार रहा है ये मेरे पे भी। उठ जा भाई डॉक्टर लिजर्ड, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, ओके उठ गया। यहाँ पे एम्बर वापस से मारता हूँ मैं, गया भाई, एक बार और एम्बर मारता हूँ, गया फिर ये, और ये गया भाई, उड़ा दिया भाई मैंने इसको। और यहाँ पे ये दूसरा पोकेमॉन कौन सा था भाई? पता नहीं भाई, लिकिटंग, लिकिटंग है भाई इसकी, ये लिक करके भाई सब कुछ तबाह कर देता है। पिकाचू पे जाता हूँ, इसकी टंग में मारता हूँ भाई थंडर बोल्ट, भाई इसने रैप कर लिया मेरे को थंडर बोल्ट ले, और ये गया भाई क्विक अटैक गया। ओ भाई उड़ा दिया, मैं कह रहा हूँ पिकाचू 2 OP है, सबको हरा सकता है। ओ भाई यहाँ पे हील करना है मेरे को अपने आप को, एंटीडोट, और ये एक गलत जगह यूज ना कर भाई एंटीडोट, एंटीडोट बर्बाद हो गया था भाई अभी, वरना ये लो भाई एंटीडोट तो दे दिया। यहाँ पे सुपर पोशन यूज कर लेता हूँ भाई इस पे, क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत कम है मेरी स्ट्रिंग की। ठीक है मैंने स्ट्रिंग को तो फुल लाइफ में लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे भी भाई पोकेमॉन पकड़ सकता था लेकिन मैंने जब वहां पकड़ लिया भाई। 1 मिनट, एंटीडोट किसको देना है? ओके ये रहा भाई, ईशान को देना था भाई एंटीडोट, में गलत जगह एंटीडोट दे रहा था। ये यहाँ पे हिचहाइकर को हरा दिया मैंने, और यहाँ पे एक और ट्रेनर है भाई, ट्रेनर की कमी नहीं हो रही यहाँ पे, खत्म ही नहीं हो रही। इसके पास तो एक ही पोकेमॉन है और सीड्रा है भाई, वो भी सीड्रा है, सीड्रा वो भी 23 लेवल का है। और बैरी मार के देखे, ओ भाई इसने हाइड्रो पंप मारा ना शायद भाई, ये तो मरने का नाम भी ले रहा है। बबल बीम,
गया ये। और कराटे चौक कितना देगा? कराटे चौक बबल भीम भाई, बबल भीम ही बबल भीम मार रहा है यहाँ पे। तो ये कराटे चौक भाई, इसकी लाइफ नहीं जा रही। पिकाचू पे जाता हूँ वरना ये मेरे स्टिंग को मार देगा। कि बार बबल भीम वापस थंडर बोल्ट है, थंडर बोल्ट मार ये गया भाई, उड़ा दिया भाई। और यहाँ पिकाचू 32 लेवल का हो चुका भाई। पिकाचू भी अच्छी खासी एक्सपी गेन कर रहा है अब। यहाँ पे कुछ है क्या? इससे तो बैटल कर चुका था ना मैं। हाँ इससे बैटल कर चुका था मैं। बेफर्जी का नीचे गिरा यहाँ से। ठीक है मैं यहाँ पे भी एक पोकेमोन पकड़ सकता हूँ शायद, रिवर में शायद नहीं पकड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रास में तो पकड़ सकता हूँ। पहले मैं यहाँ देखता हूँ कौन सा पोकेमोन मेरे को मिलता है। ठीक है यहाँ पे, ओ भाई इलेक्ट्रब क्या, इलेक्ट्रोड मिल रहा है। हाँ इलेक्ट्रोड मिल रहा है, पकड़ लेता हूँ भाई ड्यूब्स के लिए, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक टाइप पहले से है पिकाचू। मैं उसको बदलना नहीं चाहूंगा, बिल्कुल नहीं बदलना चाहूंगा। सोनी बूम हो भाई, अबे रन क्यों कर, अबे रन हो गया भाई गलती से। अबे यार स्पीड अप से गलती कर दी मैंने, रन कर दिया। अबे यार यहाँ पे एनकाउंटर वेस्ट हो गया भाई। रेड पे लेके आया मैं, फायदा कुछ नहीं हुआ रेड पे लाने का उसको। ठीक है भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक और पोकेमॉन सेंटर, और यहाँ पे हील करता हूँ पहले अपने पोकेमॉन को। ठीक है यहाँ पे एक बंदी है जो मेरे से लड़ना चाहती है, जूनियर ट्रेनर है। कडेब्रा इसके पास, कडेब्रा एब्रा कडेब्रा, ये ले भाई मेरा कराटे चॉप। डिसेबल कर दिया इसने मेरा कराटे चॉप भाई, क्या बात है। तुम कराटे चॉप को डिसेबल करने के किससे कहा था तुमसे? कराटे चॉप डिसेबल करोगे तो क्या तुमको क्या लगता है तुमको छोड़ देंगे हम? ये लो भाई तुम एक बार और बैरी लो मेरी। ठीक है भाई गया ये, और ये 24 लेवल का हो चुका स्ट्रिंग। फाइनली लर्न बाइट, भाई बाइट लर्न कर रहा है भाई, मेरे को नहीं सीखना है बाइट, बेकार मूव है। यस आई डू नॉट वांट टू लर्न बाइट, नहीं अबे नहीं लर्न करना है भाई, नहीं नहीं। यस ठीक है मेरे को बाइट नहीं लर्न करना है भाई। बाइट टू टाइम मूव है और भाई बड़ा बेकार मूव है। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा पोकेमॉन आ रहा है। ठीक है यहाँ पे वाटर, अबे वाटर टाइप वर्सेस वाटर टाइप, नहीं भाई मेरे पास कॉमेट पंच है जो तीन बार अटैक मार के इसको मार देगा। और ये जूनियर ट्रेनर हार गई। ठीक है भाई यहाँ पे केव है, ये केव का नाम क्या है? रॉक टनल आई, रॉक टनल। अबे अंधेरा है भाई रॉक टनल में तो। ठीक है भाई इसके लिए मेरे को फ्लैश की जरूरत पड़ेगी। ओके लेकिन मैं ओके गाइस इस एपिसोड को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं ये रॉक टनल जो अंधेरे वाला टनल है इसको करूंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि मेरे पास फ्लैश आ चुका है तो मैं इसको इजीली क्रॉस कर लूंगा। और भाई इस एपिसोड में मैंने बहुत ज्यादा ऑसम ऑसम चीजें की, मैंने खूब सारे ट्रेनर से बैटल किए, जिम बैटल की थी वो भी मैं जीत चुका हूँ। और इससे अगले एपिसोड में एक और टाउन की तरफ जाऊंगा, वहां पे भी बंदों को हकूंगा, पैसे कमाऊंगा, पोकेमॉन को अपग्रेड करूंगा और जिम बैटल करके मास्टर जरूर बनूंगा। तो भाई उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए तभी आपको पता चलेगा कि नए एपिसोड आ रहे हैं। तो गाइज अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।